हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटोमोटिव वंस अगेन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है न्यूली लॉन्च हुआ होंडा SP160। तो बेसिकली SP125 जो था होंडा का मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग एक बाइक था, एंड होंडा ने सेम डिज़ाइन के ऊपर बेस करके SP160 बना। तो इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, टेक्निकली चेंजेस, इंजन ऑब्वियसली 160cc का है, एंड कलर आप देख सकते हैं, ये वाला कलर जो है ग्रे कलर में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कि इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा, एक डबल डिस्क वेरिएंट जो कि ये वाला है, और दूसरा आपको मिलेगा सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट जो रियर में आपको ड्रम मिलेगा। ये था 2 आपको वेरिएंट मिल जाएगा। एंड कलर ऑप्शन इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें से ये जो है ग्रे कलर है, एंड ही और भी 5 कलर आपको शोरूम में अवेलेबल मिल जाएगा। एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते तो ये जो बाइक है जो डबल डिस्क के साथ आता है, यानी कि टॉप वेरिएंट, ये आपको कोलकाता का ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली 150,000 के आसपास मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आपको अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट करना है। इन केस आप लोग बारासात मध्यमग्राम एयरपोर्ट या इसी के नियरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं Cloud9 होंडा। आपको एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डिस्प्ले में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिल जाएगा। तो ये जो था प्राइस कोलकाता का, आपको अगर आपका सिटी का प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका सिटी बता सकते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस आएगा आपका सिटी का, मैं कमेंट में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगा। नाउ ओवरव्यू में आ जाते हैं। लुक वाइज देखेंगे आप तो ये कुछ सिमिलर आपको SP125 लगेगा, पर इसमें बहुत कुछ चेंजेस है। एंड सबसे पहले तो कलर जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड डिज़ाइन वाइज लाइक ये कह सकते हैं 160cc सीरीज़ में जो कॉम्पिटिटर्स है तो उसके साथ बहुत अच्छा पंगा लेगा ये वाला का। लुक वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी ज़बरदस्त है, और भी 5 आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, जो अगेन ये आपको LED का यहाँ पे बैजिंग किया, ये भी आपको सिमिलर SP125 या हॉर्नेट जैसा लगेगा। यहाँ पे LED सेटअप, फुल LED सेटअप मिल जाता है, पर टर्न इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर है, पर ये अगेन आपको हैलोजन वाला मिलता है। यहाँ पे भी अभी भी LED इंट्रोड्यूस नहीं किया कंपनी ने, एंड बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको SP ही लगेगा। सामने में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का एक फाइबर मटेरियल का आपको फ्रंट में फेंडर मिल जाता है, एंड जो सस्पेंशन है फ्रंट का वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, पर एज एन स्टैंडर्ड साइज़ का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। ABS का बैजिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइक जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। एज एन ऑप्शनल भी इसमें आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता। 160cc का बाइक है, एयर कूल्ड है। इंजन के बारे में मैं आऊँगा, लेकिन फ्रंट में बता देते हैं। ब्रेक यहाँ पे देख सकते हैं, पेटल डिस्क ब्रेक दिया गया। यहाँ पे 276mm का फ्रंट में आपको पेटल डिस्क मिल जाता है, 7 इंच का व्हील मिल जाता है। एंड फ्रंट में आप देख सकते हैं 80/100 सेगमेंट का 7 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है, दोनों ही जो टायर है। एंड यहाँ पे TVS का टायर प्रोवाइड किया गया है, 276mm का पेटल डिस्क। यहाँ पे निसिन का कैलिपर मिल जाता है, डुअल पिस्टन, सिंगल चैनल ABS है, एंड बोथ साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। देख सकते हैं बोथ साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है टायर के ऊपर, स्टैंडर्ड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मैंने जैसे बताया आपको। एंड साइड पैनल में देखेंगे यहाँ पे होंडा का 3D में एम्बलेंट किया हुआ बैजिंग मिल जाता है, जो टैंक का एक्सटेंशन है उसको और थोड़ा लाइक का मस्कुलर बनाया गया है, एरोडायनामिक स्टाइल है। इसके ऊपर भी ग्राफिक्स का बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रे कलर है उसमें ऊपर रेड एसेंट किया गया है, तो अच्छा ग्राफिक्स का डिज़ाइन है। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है, पर जो है बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। एंड साइड प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको 3D में यहाँ पे भी एमलैंड SP का बैजिंग दिया गया है। रियर सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 160 का बैजिंग, एंड एक सिंगल टाइप आपको ग्रैब रेल रियर में मिलता है, कि सिंगल टाइप ग्रैब रेल। एंड इंटरेस्टिंगली है इसमें जो टेल लैंप है बहुत ही लाइक एक यूनिक डिज़ाइन किया गया, मैं आपको आऊँगा टेल लैंप में। बाकी यहाँ पे दिखा देता है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते एक छोटा सा आपको इंजन कॉल मिल जाता है, बस यहाँ पे उतना कुछ लाइक यहाँ पे सिर्फ ये स्टाइल के लिए ही है, प्रोटेक्शन के लिए मड वगैरह उतना नहीं प्रोटेक्ट करेगा। लुक वाइज ये थोड़ा इसका जो विजुअल अपील है इसको और थोड़ा इन्हांस कर देता है ये वाला एक क्यूट सा इंजन कॉल। बाकी ये बाइक जो है 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड बोथ मिल जाता है। अभी इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच मिल जाता है। राइडर एंड पिनियन फुट स्पेक में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लगेगा, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है। यहाँ पे आपको मेटल का ऊपर रबर का ग्रिपिंग मिल जाता है, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर एलुमिनियम का क्रोम कलर में मिलता तो इसमें और थोड़ा इसका जो लुक है इन्हांस कर देता है इस साइड में, क्योंकि 160cc का स्पोर्ट सेगमेंट का बाइक है। तो ओपन चेन मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो लेडीज साड़ी गार्ड एंड फुट स्पेक है वो आपको प्री इंस्टॉल्ड आ जाता है।
बॉडी स्टॉक्स के साथ नाउ रियर सेक्शन में आ जाता है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो टेल सेक्शन है एकदम न्यू ओनली डिज़ाइन किया हुआ टेल सेक्शन है। क्विकली की ऑन करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेल का डिज़ाइन है एकदम न्यूली डिज़ाइन है। आप दूर से देखेंगे तो यहाँ पे टू स्ट्रिप काइंड ऑफ लग रहा है एंड ये शायद ब्रेक अप्लाई होने पे ही आपका जो ये ब्रेक लाइट है। तो डिज़ाइन न्यू है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना ये जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है आपको कैसा लगा। बाकी इस साइड में भी आपको हैलोजन वाला टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा आपको, एग्जॉस्ट देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है एंड इसके ऊपर आपको क्रोम का लाइक मफलर दिया गया। एग्जॉस्ट कैसा होगा मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगा। रियर सेक्शन में देखेंगे एक सेम डिज़ाइन के ऊपर व्हील बनाया गया जो स्टैंडर्ड 5-spoke अलॉय होता है। इन रियर में आपको लाइक क्योंकि ये डिस्क ब्रेक है तो 230mm के आसपास इसमें आपको डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको निसिन का कैलिपर मिल जाता है एंड जो ड्रम वाला वेरिएंट है उसमें 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है रियर में एंड रियर का टायर आपको 130 सेगमेंट का टायर मिलता है 130 बाई 70 इंच का टायर मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर जैसे आज के डेट में तो गाड़ी में सारे गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर के साथ ही आता है तो ये वाले गाड़ी में भी आपको ट्यूबलेस टायर के साथ मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छा खासा आपको मिलेगा 165mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा एंड सीट हाइट इस गाड़ी का लगभग 800mm के आसपास आएगा। उसी के साथ इसका जो वेट आएगा 140kg के आसपास इसका जो है टोटल वेट आएगा। मैं जो सारा डिटेल्स आपको डिस्प्ले में डाल दूंगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि डिज़ाइन और लुक के हिसाब से ये गाड़ी आपको कैसा लगा। यहाँ पे सिंगल टाइप आपको एक सीट मिल जाता है, थोड़ा सा स्टेप अप है एंड कंफर्टेबल अच्छा रहने वाला है क्योंकि एक 160cc सीरीज़ के गाड़ी में यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा हाई सीट देखते हैं पर यहाँ पे राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। मुझे तो बेसिकली ये जो न्यूली डिज़ाइन किया हुआ टेल सेक्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी टैंक के ऊपर भी आपको डुअल टोन कलर मिल जाता है, यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे एस एंड यहाँ पे E20 बैजिंग देख सकते हैं क्योंकि ये जो गाड़ी है E20 फ्यूल कंप्लेंट है BS6 फेस 2 के साथ आता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल एकदम न्यूली डिज़ाइन का इंस्ट्रूमेंट पैनल है लेकिन उससे पहले स्विच गियर्स देख लेते हैं तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, इंजन स्टार्टर मिल जाता है एंड ए हैजर्ड स्विच आपको दिया गया है एंड अदर हैंड आपको हाई बीम, लो बीम, पास, टर्न इंडिकेटर एंड एक सिंगल हॉर्न इसमें दिया गया है जो कि हॉर्न काफ़ी तगड़ा है क्योंकि शोरूम के अंदर है तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी आप रोड के ऊपर कैसा रहेगा वो तो रोड प्रेजेंस में ही पता चलेगा। बाकी देख सकते हैजर्ड लाइट मैंने ऑन कर दिया। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको दिखा देता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल इन्वर्टेड LCD आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऑन करते देखते तो ऑन करते ये पूरा लोड हुआ एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक टेकोमीटर फुल्ली डिजिटल क्लस्टर। यहाँ पे कोई ब्लूटूथ या मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन अभी तक तो नहीं दिया होंडा ने एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक टेकोमीटर, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, फ्यूल गॉज, यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन। यहाँ पे तो 12.3 फिलहाल है जो कि करेक्ट नहीं है, आप जैसे रन करेंगे उसके ऊपर बेस करके चेंज होता रहेगा। यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन टाइम दिख रहा है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ABS, हाई बीम, साइड स्टैंड, न्यूट्रल का इंडिकेटर और क्या है यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल तो एडिशनल और कुछ नहीं है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पर फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पे आपको होंडा का बैजिंग मिल जाता है, की आपको दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड डिज़ाइन का की आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी वैसे नया डिज़ाइन नहीं है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन का की आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक सिंगल टाइप आपको हैंडल बार मिल जाता है एंड 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है एंड माइलेज इस बाइक से आप 40-45 km/h के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यू बाइक है तो इतने एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते। बाकी माइलेज जो डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल, राइडिंग कंडीशन, सिचुएशंस के ऊपर बेस करके आपका जो अप्रोक्सीमेट माइलेज आएगा वो आएगा। फिर भी आप एक 160cc गाड़ी से 40-45 km/h के आसपास अगर आपको माइलेज मिल रहा है तो वो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। बाकी क्विकली इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो इंजन जो है आपको 163cc का शायद 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 A5 OBD2 कंप्लेंट इंजन मिल जाता है एंड मैक्सिमम पावर इस बाइक से आपको लगभग 14 BHP के आसपास मिलेगा एंड सेम 14 या 15 Nm के आसपास इसमें मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा
एंड एग्जैक्ट पावर एंड टॉर्क फिगर जो है मैं आपको डिस्प्ले में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी आता है एंड देख सकते हैं जैसे मैंने बताया हुआ है सेंटर स्टैंड विथ साइज स्टैंड मिल जाता है एंड साइज स्टैंड में आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता है। एज एन स्टैंडर्ड हो गया BS6 के साथ साथ ये हो गया जो गाड़ी है BS6 फेस 2 का गाड़ी है। एंड ओवरऑल तो सब कुछ बता दिया है, मैं क्विकली इसको स्टार्ट करके देखते इसका एग्जॉस्ट कैसा बनाया गया है। बहुत ही स्मूथ स्टार्ट है, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। लो देख सिंगल क्लिक स्टार्ट है, उतना कुछ आपको फोर्स नहीं देना होगा, यहाँ पे जस्ट एक बटन क्लिक और ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला स्टार्ट करके। एंड एग्जॉस्ट नोट स्मूथर साइड में है, उतना कुछ हेवी टाइप नहीं है, पर एक लाइक क्लासिक एग्जॉस्ट नोट आपको मिलेगा, उतना एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है। इंजन भी बहुत रिफाइंड लग रहा है, यहाँ पे भी इंजन का एग्जॉस्ट उतना कुछ रफ नहीं है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। BS6 में बहुत फेस 2 है तो इंजन बहुत ही देती है। एंड एग्जॉस्ट जो है आपको क्लासिक टाइप है, उतना हेवियर साइड में नहीं है, बट स्मूथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हेडलाइट आप देख सकते हैं, ये अभी लो बीम पे है, मैं आपको हाई बीम, ये अभी लो बीम पे है। तो बेसिकली 2 सेटअप है, आपको जो अपर वाला पोर्शन है वो आपको लो बीम मीन इंजन स्टार्ट होने के साथ ही मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको हाई बीम जो है वो आपको नीचे मिल जाता है। लाइट थ्रोइंग SP 125 का ही बहुत अच्छा था, 160 में भी उम्मीद करते हैं अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि सेम डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल सेम यूज़ किया गया है। बंद कर देते इसको। तो ओवरऑल तो सब कुछ मैंने बता दिया, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना ये वाला गाड़ी कैसा लगा। 160cc सीरीज़ में SP का लू, ऊपर से बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ है, यहाँ पे आपको डुअल वायर एस्केलेशन मिल जाता है, ये एक एडवांटेज मिल जाता है आपको हाई स्पीड में। इन केस आपका वन वायर कट भी हो जाता है तो दूसरा वायर से आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आप दूर से लुक देख सकते हैं। एग्जॉस्ट नोट के ऊपर आपका जो क्रोम कलर का मफलर दिया गया है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। 160cc सीरीज़ में यहाँ पे अभी भी आपको किक स्टार्टर का ऑप्शन भी दे रहा है, तो न्यू बाइक है अभी, वैसे कुछ तो बता नहीं सकते, पर जैसे जैसे यूज़र का फीडबैक आएगा उसके ऊपर से बेस करके, तो उम्मीद करते इस बाइक भी उतना ही क्रेज़ क्रिएट करेगा जितना SP का क्रेज़ अभी भी है। SP 125 का तो सेम डिज़ाइन के ऊपर इसलिए होंडा ने लॉन्च किया। कलर ऑप्शन 6 है, तो आप बहुत कुछ है आपको चूज़ करने के, डुअल वेरिएंट आपको मिल जाता है, आप चाहे सिंगल डिस्क वेरिएंट के साथ जाए या डुअल डिस्क वेरिएंट के साथ उसे मिल जाएगा। प्राइस डुअल डिस्क का 1,50,000 के साथ आसपास आएगा, एंड जो सिंगल डिस्क है उसका 5,000 to 6,000 कम हो सकता है उसका अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट प्राइस के लिए को नियरेस्ट जो ऑथराइज्ड होंडा शोरूम है वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो होंडा SP 160 के बारे में सोच रहा है या फिर खरीदने का प्लान बना रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान ज़रूर रखें एंड टाटा।